अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी सेहत का स्टूडेंट्स बहुत ख्याल रखिए, बिला वजह घर से बाहर मत रहिए, घरों में रहिए और महफूज रहिए, और साथ साथ अपनी स्टडी पर भी फोकस कीजिए। आज आपका पाक स्टडी का लेक्चर नंबर है 7, जिसमें मैं आपको सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी, जिसका उनवान है खवातीन को बाख्तियार बनाना। बुक के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 4। बुक का पेज नंबर है 96। देखिए बुक के ऊपर, रीडिंग की तरफ आते हैं। इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के लिहाज से सब इंसान बराबर हैं। सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस लिहाज से इस्लाम में जिंस की बुनियाद पर औरत और मर्द में कोई तफरीक नहीं। अल्लाह ताला के नज़दीक दोनों ही इसकी मखलूक हैं। कुरान और हदीस में कसी तादाद में ऐसे अहकाम मौजूद हैं जिससे इस्लाम में औरत के मुकाम, अहमियत और उसके हकूक़ का तायन होता है। सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिए कि कुरान की रोशनी में औरत का मुकाम। शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूह ज़मीन पर फैला दिए। औरत वो लफ्ज़ है जो इंसान को इज्जत और हुरमत से आगाह करता है और जिसके वजूद से कायनात में रंग है। तमाम मज़ाहिब बिशमूल इस्लाम हर किस्म के निस्वानी तशद्दुद की मज़म्मत की गई है, यानी तमाम मज़ाहिब में औरतों पर तशद्दुद करना नापसंद किया जाता है। इस्लाम ने ख़वातीन को हकूमत, सियासत, क़यादत, इंतज़ाम और मुशावरत समेत ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी। अक्सर ख़वातीन इस तसव्वुर की बुना पर तशद्दुद का शिकार होती हैं कि वो मर्दों की निस्बत कमतर हैं। बहरहाल कुरान मजीद की ये आयात इस बात की तर्जुमानी करती हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ मर्द और औरत का रुतबा बहसियत इंसान बराबर है। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत ज़ाया नहीं करता, तुम एक दूसरे के हमजिंस हो। जो एक और जगह पर अल्लाह ताला का फरमान है, जो शख्स नेक अमाल करेगा, मर्द हो या औरत, वो मोमिन भी होगा, तो हम इसको दुनिया में पाक और आराम जिंदगी से ज़िंदा रखेंगे और आखरत में इनके अमाल का नहायत अच्छा सिला देंगे। अरब माशरे में इस्लाम की आमद से पहले दौर जाहिलियत में लड़कियां पैदा होने से पहले इन्हें ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, यानी इन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और बहुत ही बाय से शर्मिंदगी समझा जाता था जिसको अल्लाह ताला बेटी अदा करता था। इस्लाम ने लड़की को रहमत बनाया और घर का सुकून बनाया। इस्लाम का सूरज तलू हुआ तो औरत को जुल्म के इन अंधेरों से निजात मिली। इस्लाम ने औरत को जिल्लत से छुटकारा दिलाकर इज्जत और हुरमत से नवाजा। औरत को जिंदा दफनाने की जहलाना रस्म ख़त्म हुई। इस्लाम ही ने औरतों को मर्दों के मसावी हकूक दिए और औरत की हैसियत को मुस्तहकम किया। इस्लाम ने औरत को मसावी हकूक, इज्जत का तहफ्फुज़, विरासत में हिस्सा, हक महर, खुला का हक, तालीम और तरबियत का हक, अलहदगी की सूरत में औलाद रखने का हक, राह दही का हक, मुशावरत का हक अता किया है। अगर औरत के पास रोज़गार भी है तब भी इस्लाम ने उसे औलाद की कफालत करने के लिए नहीं कहा। औलाद की कफालत की जिम्मेदारी मर्द को दी है या बाप को। माँ बहन बेटी बीवी की शक्ल में इस्लाम ने हर रिश्ते से औरत के दर्जे में हिस्सा रखा है। इस्लाम में अमल और अजर में मर्द और औरत मुसावी हैं। चुनाचा कुरान करीम में वाज़े कर दिया गया है कि मर्दों को इन कामों का सवाब है जो इन्होंने किए और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और अल्लाह से इसका फजल करम मांगते रहो। स्टूडेंट्स, ये जो आयत का तर्जमा मैंने बोला है, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुरान की आयत की रोशनी में औरतों के हकूक़ के बारे में बताइए, तो यहाँ आप इस आयत का तर्जमा जो है वो लिखेंगे।
जो अब मैं आपको बताऊंगी। मजीद फरमाया, जो काम जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी होगा, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और इनकी तिल बराबर भी हक तलफी ना की जाएगी। हकूक़ के हवाले से आयत पूछी गई है कुरान पाक की, तो ये सूरत निसा की आयत का तर्जमा आप उस क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आगे है कुरान पाक के अलावा कई अहादीस। अब अहादीस की रोशनी में औरत का मुकाम यहाँ हेडिंग दे दीजिए, और अहादीस की रोशनी में औरत का मुकाम अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुरान पाक के अलावा कई अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ और इनकी माशरे में अहमियत का जिक्र मौजूद है। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दो लड़कियों की कफालत की तो मैं और वो जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में करीब हैं। खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। जो आए जिस हदीस का तर्जमा मैंने अभी किया है आपके लिए, मैं दोबारा उसको एक बार बोलती हूँ। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि हदीस की रोशनी में औरतों के हकूक़ के बारे में बताइए, तो ये हदीस आप उस क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर में लिखेंगे। दूसरी जगह फरमाया, तुम में से किसी के पास तीन लड़कियाँ या तीन बहनें हों और वो इनके साथ अच्छा सलूक करे तो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, दीन आसान है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, लोगों को मुश्किलात में मत डालो। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने औरत को ना सिर्फ बावकार बनाया बल्कि इसे चादर और चार दीवारी की सूरत में तहफ़ भी अता किया। इसी सिलसिले में एक पहला वाक्य आपको बताते हैं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का। यहाँ लिखिए मिसाल नंबर एक, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का वाक़या एक नुमाया मिसाल है औरतों के इज़्ज़त के हवाले से और मर्तबे के हवाले से, जो अल्लाह ताला के सामने औरतों के रुतबे को उजागर करती है। ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला से मदद मांगने की खातिर वो कोहे सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ी ताकि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुराक और पानी मुहैया करें। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि सफ़ा और मरवा के दरमियान भागना हज का एक अजीम रुकन बना दिया गया। तमाम मर्दों और औरतों पर लाजिम हो गया कि वो हज की तकमील के लिए इनकी पैरवी करें। इस वाक़ये से इस्लाम में औरत की हैसियत और अहमियत जाहिर होती है। एक नंबर दो पर देखिए, सेकेंड पैराग्राफ को मिसाल नंबर दो बना लीजिए। ये मिसाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। लिखिए मिसाल नंबर दो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जज़ीरा नुमा अरब की एक दौलतमंद खातून थी। इनका मक्का मुअज़्ज़मा में तजारती मरकज था जिसे वो खुद संभालती थी। इनका तजारती सामान शाम जैसे दूर दराज ममालिक की मंडियों तक जाता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कारोबार की कामयाबी को इस तरह देखा जाता है कि जब कबीला कुरैश के तजारती काफ़िले दूसरे ममालिक को जाते थे तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का काफ़िला कुरैश के सारे काफ़िलों के बराबर होता था। उसके बाद अगले पैराग्राफ में देखिए, बसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि मौशरती इस्लाहात के लिए जद्दोजहद के सिलसिले के अहम पहलू दुनिया और अरब के मजलूम और महकूम तबकात खसूसन ख़वातीन ख़ताम और यतीमों का बुनियादी हकूक़ को मुहैया करना था। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि माशरती इस्लाहात के लिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद का अहम सिलसिला अरब से शुरू किया उसमें क्या अहम था? मजलूम और महकूम तबका जो है जिनमें ख़वातीन शामिल थी, खुदाम यानी जो खादिम थे, यतीम ये सब थे, इनके बुनियादी इनको बुनियादी हकूक़ मुहैया करना था। एंड में लास्ट पैराग्राफ में बताती हूँ, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये नामवर ख़वातीन है
ख्वातीन की वो जिंदा मिसालें हैं जो जुल्म और जबर के सामने साबित कदम रही और मुश्किल की घड़ियों में मुस्लिम ख्वातीन की रहनुमाई करती रही। एंड में हासिल बहस लिख लीजिए कि दुनिया और आखरत, यहाँ हासिल बहस की एक हेडिंग दे लीजिए छोटी सी और लिखिए आखिर की लाइन जो है हासिल बहस में शामिल कीजिएगा, दुनिया और आखरत दोनों में बहसियत इंसान मर्द और औरत अल्लाह ताला की निगाह में बराबर है। इनको आखरत में अपने अपने अमाल के मुताबिक सजा और जजा दी जाएगी जो इन्होंने दुनिया में सर अंजाम दिए। आखिर में थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी स्टूडेंट मर्द हो या औरत, अपने हर गुनाह की सज़ा उसको उतनी ही मिलेगी जितनी उसने की है। औरत होने के नाते ये नहीं कि औरत अगर कोई गलती करती है तो उसको उसकी गलती की सज़ा बहुत ज़्यादा मिलेगी और मर्द ताकतवर है तो उसको उसकी गलती की सज़ा थोड़ी कम मिलेगी। सज़ा और जज़ा अल्लाह ताला ने दोनों के लिए बराबर रखी है। हमारा हर अमल जो अच्छा है उसकी सज़ा, उसकी जज़ा हमें मिलेगी और जो बुरा है उसकी सज़ा हमें मिलेगी। बहसियत मर्द और औरत, सज़ा और जज़ा में अल्लाह ताला ने कोई तफरीक नहीं रखी। स्टूडेंट, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि ख़वातीन का कुरान और हदीस की रोशनी में ख़वातीन का क्या मुकाम है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये आपका आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। आपने ये सारा औरल याद करना है, यानी ज़ुबानी याद करना है। कोशिश कीजिए जो याद करें उसे आप लिखें, लिख कर प्रैक्टिस करें। बच्चों, लिखा हुआ जो होता है वो कभी भी नहीं भूलता। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको तहरीक-ए-पाकिस्तान में ख्वातीन का किरदार पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।